देखिए मनीष, बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, 3,117 लोग जो है मौजूदा कोरोना संक्रमित है। इसके अलावा 34 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है अगले 24 घंटे के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भैंसा कुंड का जो है नजारा है, जहां पे अस्थाई जो है कोविड अंत्येष्टि स्थल जो बनाया गया है। सुबह 10 बजे का वक्त है, लेकिन आप समझिए कि 5 जो चिताएं हैं वो जल रही हैं। इसके अलावा करीब 5 चिताएं जो है वो अब जलने के लिए तैयार हैं। यानी सुबह से ही जो है शवों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। और ये रोज की तस्वीरें हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें मजबूरन दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि जो आंकड़े बताए जाते हैं, जो अधिकारी दावे करते हैं कि हाँ सब कुछ बेहतर है, बेहतर व्यवस्था है, बेहतर लोगों को इलाज मुहैया पा रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कोरोना कोविड पेशेंट थे और कहीं ना कहीं इलाज का अभाव रहा है जिसके चलते इनकी मौत हुई है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना के चलते घर में आइसोलेट थे, लेकिन जब उनको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो नहीं मिला, जिसके चलते बताया जा रहा है कि लापरवाही की ये भेड़ चढ़ गए, इनकी मौत हो गई। और ये वही शव है जो अब यहाँ पर परिजन लेकर के पहुंचे हैं। आप देखिए कि 5 शव जो है आपको जलते दिखाई दे रहे हैं और करीबन 4 जो शव है वो जो है चिताओं पे रखे गए हैं, लकड़ी पे रखे गए हैं, उनको जो है जलाने की तैयारी हो रही है। तो ये कहीं ना ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो सरकार और अधिकारियों के जो दावे हैं कि तमाम जो है जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और कोविड जो पेशेंट है उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से भैंसा कुंड में सुबह से ही जो है कोविड शवों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जब पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि कहीं ना कहीं जो है ये इलाज के अभाव में इनकी मौत हुई है। घर में जो लोग आइसोलेट थे उनको बेड नहीं मिल पाया, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसके चलते इनकी मौत हो गई। जो लोग हॉस्पिटल में थे उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि बेड तो मिल गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो तमाम जो है अवस्थाओं की भेड़ जो है रोजाना लोग चढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि भैंसा कुंड में और राजधानी के जो अन्य जो कोविड जो अंत्येष्टि स्थल बनाए गए हैं वहां पर एक बड़ी जो चेन है वो सुबह से ही लग जाती है सबों की, और जिनका अंत्येष्टि करने का जो सिलसिला है वो जो शुरू होता है तो वो मनीष शाम तक चलता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं जो मजबूरन जो है भारत समाचार दिखा रहा है दर्शकों को, लेकिन आखिर ये सिलसिला कब थमेगा इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तमाम लोग पूछ रहे हैं, तमाम त्राहिमाम मचा है ऑक्सीजन के लिए। आप देख लीजिए कि लाइन लगी हुई है ऑक्सीजन प्लांट पे। भैंसा कुंड पे भी यही हाल है कि शुरू से सुबह से ही जो है शव जो है पहुंचने शुरू होते हैं तो वो रुकते नहीं है, उनकी लगातार अंत्येष्टि का सिलसिला जो है शुरू होता है तो वो शाम तक चला करता है। तो अब सवाल उठता है कि यदि जो है अधिकारी दावे कर रहे हैं कि उनको बेहतर जो है इलाज दिया जा रहा है, बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही, तो आखिर ये मौतें क्यों हो रही है? क्योंकि हमने देखा कि कल आशियाना इलाके में गुमनामी की मौत जो है बाप बेटे जो है चढ़ गए। पीछे 4 दिनों से वो कोविड पेशेंट होने के बाद घर पर आइसोलेट थे, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी ने सुध नहीं लिया, और जब बदबू आई तो लोगों ने बताया कि सर बदबू आ रही, उसके बाद पुलिस जब पहुंची तो पता चला बाप बेटे जो है वो कोरोना के काल में समा चुके थे, जबकि जो पत्नी है वो भी सीरियस हालत में उसको जो है एडमिट कराया है पुलिस ने। इसके अलावा पड़ोस में ही जो एक और युवक है वो भी कोरोना पेशेंट था, उसकी भी मौत जो है घर में आइसोलेट के दौरान जो है हो गई। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अस्पताल से लेकर के जो घरों में आइसोलेट मरीज हैं वो भी परेशान हैं और लगातार काल के ग्रास में समा रहे हैं, जबकि कुछ सरकार ने आदेश दिया हुआ है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि घर में जो लोग आपको रोकना चाहूंगा। विवेक भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, अगर यहाँ पर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के हालात भी ऐसे ही बने हुए, लगातार यहाँ पर लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं। अस्पतालों की बात करें तो कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्या ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर दूर हो पाई है? मनीष, कानपुर की बात करें तो आज 25 दिन से ऊपर हो गए हैं यहाँ व्यवस्थाएं जो है चरमराई हुई हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए काशीराम हॉस्पिटल की, तो जिस हिसाब से भारत समाचार की टीम गई थी और वहाँ के हालात जो थे वो बस से बदतर थे। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं वो अपने बैटरी रिक्शे से या अपनी गाड़ियों में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेड नहीं है और वहाँ पर आश्वासन दिया जाता है कि जब बेड खाली होंगे तब यहाँ पर बेड दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब बेड नहीं है, पेशेंट सीरियस हालत में आता है, उसको बेड नहीं दिया जाता है, जबकि वो शहर के सारे हॉस्पिटल घूमने के बाद वहाँ पहुँचता है, तो ऐसी स्थिति में जब पूरे शहर में कहीं हॉस्पिटल नहीं है तो कहीं ना कहीं जो मरीज है वो उसके हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। बात करी जाए यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांटों की, तो लोग जो हैं अपने अपने ज़रूरी काम छोड़कर घंटों के हिसाब से वहाँ पर लाइन पर लगे होते हैं, जिनका सुबह नंबर लगाया जाता है उनको शाम को ऑक्सीजन मिल पाती है। कुल मिला के कहीं ना कहीं अपने मरीज
को बचाने के लिए अपने सारे जरूरी काम छोड़कर लोग ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर लाइनों पर लगे हुए हैं। बात करी जाए यहाँ पर दवाइयों की और इंजेक्शनों की, तो यहाँ के मेडिकल स्टोरों में या यहाँ जो दवा मार्केट है वहाँ मेला ऐसा लगा हुआ है। पहली बात तो यहाँ पर दवाइयों का अभाव होता चला जा रहा है, जिस इंजेक्शन की या जिस दवाई की डिमांड होती है वो मार्केट से गायब हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करी जाए प्रशासन की, तो सबसे जो प्रशासन का ढीला रवैया निकल के आया है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही थी, सुचारू रूप से चल रही थी, कई यहाँ पर केंद्र बना दिए गए थे, कई टीमें लगा दी गई थी, उसको यहाँ पर देखते हुए जिस तरह से ढीला ढवाली डाली गई है उसका अंजाम आज कानपुर भुगत रहा है। यहाँ का प्रशासन ने सोच लिया था कि कोरोना जैसी महामारी खत्म हो गई है, जिसके चलते सारे यहाँ पर केंद्र बंद कर दिए गए थे, सारी यहाँ पर टीमें जो है बैठ गई थी ऑफिसों के अंदर, इसका कारण ये कोरोना जो है बढ़ता चला गया और आज हालात इस तरह से है बस से बदतर हो गए हैं। तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर लाख दावे करे जाते हैं कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जितनी भी हैं वो सिर्फ कागजों पर दिखाई देती है। यहाँ के अधिकारी फोन नहीं उठाते, मीडिया से किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं देते। इससे पहले जब कोरोना काल आया था तो रोज एक वहां पर मीडिया के लिए अपडेट होता था कि आज इतने केस निकले और ये किया गया। आज विवेक आपको रोकना चाहूंगा, धीरेन्द्र भी हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हैं। धीरेन्द्र, लगातार एक ही खबरें निकल करके सामने आ रही है, काला बाजारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, दवाओं की बात करें तो यहाँ पर काला बाजारी चरम पर है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों की तरफ से भी देखने को मिल रही है। क्या वजह है कि लगातार ऐसी खबरें आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए मनीष, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हैं, कोविड के नाम पर अपने आप को अपने घरों में या अफसों में आइसोलेट कर लिए। सबसे बड़ी जो भयावह स्थिति हो रही है, पहले जो शहरी इलाके थे वहां कोविड को जो पेशेंट निकलते थे हॉटस्पॉट बना दिया जाता था, उस इलाके को सील कर दिया जाता था, लेकिन अब ये चैन गांव गांव तक फैल रही है। अगर हम पहले वेव की बात किया जाए तो जो प्रवासी लोग गांव में आते थे तो उनको 14 दिन तक स्कूलों में क्वारंटीन किया जाता था, लेकिन इसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, दूसरे प्रदेशों के लोग गांव गांव में आए, अब ये संक्रमण गांव गांव तक फैल चुका है। लेकिन अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो इस तरह की कोई तैयारी नहीं की गई है। गांव के एक एक गांव के एक एक घर में करीब करीब हर व्यक्ति जो है वो कहीं फीवर से ग्रसित है, कहीं कहीं उसको किसी तरीके की दिक्कत है, किसी तरीके की जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केवल जो बातें हो रही है वो कागजों में हो रही है, जमीनी हकीकत कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। शहरों की बात तो छोड़िए, गांव में भी अब भयावह स्थिति हो गई है और अब हालात धीरे धीरे बद से बदतर होता जा रहा है। मनीष बिल्कुल, अनूप यहाँ पर लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, इससे पहले 5000 तक लगभग केसेस सामने आ रहे थे। आखिर क्या वजह है कि अस्पतालों पर दबाव कम नहीं हो पा रहा मरीजों का अभी भी? देखिए मनीष, बिल्कुल है, अगर बीते दिनों की बात करें तो ये राहत वाली खबर है कि जो अब जो आंकड़े आए हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है कमी आई है कि 3117 जो है जो आंकड़े आए हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज जो है लखनऊ में पाए गए हैं। जबकि अगर हम कुछ दिनों पहले जाएंगे तो आप समझिए कि करीब 6600 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका था, तो ये राहत वाली खबर है। लेकिन 34 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है 24 घंटे के अंदर, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह तमाम हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, और जो निजी हॉस्पिटल हैं, जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं और जो तीमारदार वहां पहुंच रहे हैं, जो मरीज पहुंच रहे हैं, उनके सामने अपनी मजबूरी जाहिर कर वो सीधे तौर पर जो इनको बैरंग वापस कर देते हैं। तो जो कोविड कमांड सेंटर जब तीमारदार पहुंचता है तो वहां भी जो है थाना पूर्ति की जाती है, जो घरों में आइसोलेट हैं उनको भी सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनसे भी कोई अधिकारी संपर्क नहीं कर रहा। तो मनीष, कहने का मतलब यह है कि यदि जो है अधिकारी जो टीमें बनाई गई हैं वो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार काम करें तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों में जो है और कमी आएगी। बिल्कुल, क्योंकि यदि कोरोना संक्रमित मरीज है उसको सही समय पर इलाज मिल पाएगा, बेड मिल पाएगा, ऑक्सीजन मिल पाएगा, दवाइयां मिल पाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि उसको बेहतर इलाज मिलेगा तो वो सही हो पाएगा। बिल्कुल, तो जो अभाव है, जो लगातार मौतें हो रही है उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और जो लोगों का आरोप है कि बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है उससे भी राहत मिलेगी। लेकिन अधिकारियों की जो लापरवाही है वो सीधे तौर पे जो है इन आंकड़ों को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी मुसीबत बन रही है। लिहाजा जरूरत है कि कालाबाजारी जिस तरह से हावी है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है, दवाइयों की जा रही है, यहां तक कि यह भी सामने आ रहा है कि तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर मोटी रकम दे करके बेड जो है वो रिजर्व कराए गए हैं,
तो ऐसे चीजों पे यदि लगाम समय रहते लगा लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए भी जो एक बड़ी उपलब्धि होगी और कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें भी कमी आएगी और बेहतर इलाज मिलने से जिस तरह से भैंसा कुंड में जो है सुबह से ही 100 आ रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। लेकिन ये देखा गया है कि शुरुआत से ही जो है लगातार जो लापरवाही है वो अधिकारियों द्वारा की जा रही है और गलत रिपोर्ट जो है वो ऊपर जो मुख्यमंत्री कार्यालय वहां पर भेजी जाती है। लिहाजा बिल्कुल ये अनुभव को रोकना चाहूंगा। अजय कश्यप भी हमारे साथ बरेली से जुड़ गए। अजय, कहां पर आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मनीष अपना सवाल दो रहा है। अजय, आपसे जानना चाहूंगा आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए मनीष, मैं बताना चाहूंगा इस समय मैं सिटी शमशान भूमि पे मौजूद हूं और मैं आपको नजारा दिखाऊंगा। देखिए कैमरा मैन से कहूंगा तू आए यहाँ पे। यहाँ पर मनीष अगर बात की जाए तो 33 शवों का दाह संस्कार हो सकता है लेकिन इस समय मौजूदा 57 हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते। देखिए बिल्कुल कहीं भी जगह नहीं है, चिताओं पे लगी है, जमीनों पे चिताएं जल रही हैं और यहाँ ही नहीं, यहाँ के अगर स्टैंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो जो अंतिम संस्कार करने परिवार आता है उनके लिए एक स्टैंड बनाया हुआ है। यहाँ पर वो अपने वाहन खड़े करते हैं, वाहन में भी जो है इस समय दाह संस्कार शुरू हो गए तो इससे अंदाजा लगा जाता है मनीष कि यहाँ पर कितनी कोरोना जो है विकराल स्थिति लिया हो। मनीष बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर कोरोना की वजह से मौतों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अनूप, लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए अगर लोगों का आरोप माने, क्योंकि जो लोग मौत के काल में समा चुके हैं उनके जो शव हैं जो परिजन यहाँ पे लेकर के पहुंचे हैं भैंसा कुंड में, जो आप देख रहे हैं कि उनकी जो अंत्येष्टि लगातार की जा रही है, कई शव जो है पहले से जल चुके हैं, इसके अलावा कई जो है शव वो चिताओं पे रखे हुए हैं जिनको जलाने की तैयारी है, तो इनके जो परिजन है उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है इलाज के अभाव में जो है उन्होंने अपनों को खो दिया। किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी लेकिन ऑक्सीजन के लिए वो जद्दोजहद करते रहे दो दो तीन तीन घंटे तक, दो दो दिनों तक, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिला जिसके चलते जो है उनको उनके परिचित जो थे उनकी मौत हो गई। किसी को बेड की आवश्यकता थी, बेड नहीं मिला जिसके चलते मौत हो गई। किसी को जो है जो उपयोगी दवाइयां हैं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें यानी दवाइयों की बात करें, उसमें जो है कहीं ना कहीं हिला वाली हुई जिसके चलते जो है मौत हो गई। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भैंसा कुंड में जो सुबह से ही जो है शव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अवस्था की ये भेंट चढ़ गए और यही वजह है कि लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार को अब इस पे सोचना होगा और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें ऐसी तमाम सूचनाएं सामने आती हैं कि जो लापरवाही है उसके चलते लगातार जो स्थिति है वो और भयावह हो रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आखिर उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? मुख्यमंत्री संजीदा हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को बचाया जाए, लोगों को कोरोना संक्रमण होने से बचाया जाए। सही बात बोली आपने अनूप, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है। अजय भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बरेली से। अजय, कहीं ना कहीं एक सही बात यहाँ पर अनूप की तरफ से बोली गई, उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है, अधिकारी यहाँ पर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर क्या आपने लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप लोगों ने लगाए हैं? देखिए मनीष, बताना चाहूंगा कि सिटी शमशान भूमि पे जो है अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में जो है 5 फौरी हुई, लेकिन यहाँ आप ये पीछे शमशान भूमि गवाह है, यहाँ पर जो है कोविड-19 की जो है 19 शवों का कल अंतिम संस्कार किया गया है। गलियों में जगह नहीं है, बिल्कुल चिताओं पे जगह नहीं है, लोग आ रहे हैं अभी भी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो सामने जो एक कोविड-19 की बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, बॉडी सील की गई है, उसके बगल में दो बॉडी और चल रही है वो भी कोविड-19 की है और उसके संग ही मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि वो कोई जमीन का नजारा दिखाए आपको कि किस तरह, देखिए जमीन कहीं भी नहीं बची है, जमीनों पर चिताएं चल रही है, चिताएं फुल हो चुकी है। जब यहाँ पे जब चिताएं फुल हो गई तो उसके बाद जो है शमशान भूमि के बाहर नया शमशान एक चिताओं के लिए स्पॉट बनाया गया, वहां चिताएं जला रही जा रही थी। उसके बाद जो है जहां पे साइकिल स्टैंड जला है तो साइकिल स्टैंड में भी अब चिताएं को जलना सिलसिला शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बरेली में जो है कोरोना जो है विकराल रूप बरपा रहा है। मनीष बिल्कुल, चलिए आप दोनों नजर बना रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मेरठ से है जहां पर मेडिकल